तीन गो और तेल रहती ढेला बिकले रहती तो ना बुरी घुमा के बिकल ना ना घुमा के ना गाला गिर मार दे गाड़ी दे दो के घुमा के बिकली नु ना गुरुवा ठेला बिकला उलिया के बैठला मार दी के घुमा गइल बा उठला तू ना हो हमरी ओर से चल पानी मार लो हम देख लिए तोर बहन के पहले 14 वाला से धोनी ये भी साल नौका बैठवा 12 दिन हो गए लो गिन लिए पहले 12 दिन हो गए लो साल औका लो अरे गिन लिए 12 दिन हो गए लो बैठा दो एमा बाला प्ले क्या बा हो दिन ले भाई 1 2 3 हो खेला तो भाई आ जा दिन 12 दिन बाद जा पीछे नहीं अंदर लगे लो 4 5 6 7 8 9 10 12 दिन दो चला 12 दिन करा दे एमो सब करिए फुलटा सब मत दिए भाग 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 कम चल भाग रे मुगा दे एई पे कहला मसाल दौड़ में करे रे बहुत रे मारर छोड़ ए गेला मसाल दौड़ और अब एक दो हां मार रे लोग दे अब कटे ना पॉइंट चल भाई आ जा अभी ना आ जा बोला बंद कर दे बड़ी बात गिराई कर दिया ना सलाम कर करना चालू है समझ रहे हैं बंद बैठे अब खेत निकालो तो हां कोई दिक्कत नहीं है मैं तो आपको बता दे रहे हैं कहीं से स्टॉप हो जाए हां ये हां ठीक बा छाका बा ठीक बा जो फर्स्ट इनिंग है वो समाप्त हो चुका है सेकेंड इनिंग का जो सेकेंड इनिंग शुरू होने जा रहा है जो ओपनर है उसके विषय में हम आपको पूरी जानकारी देंगे थोड़े ही देर में तब तक आप लोग बने रहिए अभी जो फर्स्ट इनिंग आप लोग देख रहे थे फर्स्ट इनिंग खत्म हो चुका है और 69 रन फर्स्ट इनिंग में बना है 70 रन बनाना है ना सेकेंड इनिंग में 70 रन की जरूरत है। अब देखते हैं सेकेंड पारी में जो दूसरी टीम है खेल रही है क्या इस टारगेट को अचीव कर पाती है या नहीं। अभी आपने देखा विशाल का विशाल स्ट्रोक और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए पहुंच चुकी है। फिर से बॉलर अपने छोर से बॉलिंग कराने के लिए उत्सुक और फिर इस बार देखते हैं क्या होता है। ओ माय गॉड विशाल के बड़े बड़े कारनामे आज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस ग्राउंड के माध्यम से जो बहुत ही हसमुख हैं सबसे मिलनसार भी हैं लेकिन उतना ही गेंद को दूर मारने में सक्षम विशाल जी। और ये तीसरा शॉट लगातार 3 गेंद पे 3 छक्का क्या युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे आज इस बैजू टोला के ग्राउंड से मिस्टर विशाल कुमार। ये अभी आने वाले समय में हम लोगों को मालूम चलेगा। चौथी गेंद यहाँ पे
एम्पायर के द्वारा वाइट करार दिया गया और बला फिर से नेताजी अपने चौथे गेंद को लेकर के और यहाँ पे मिस्टर विशाल और मिस्टर विशाल के ऊपर संदिग्ध स्थिति बनी हुई है लगातार। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई थी, आगे बढ़ करके गेंद को खेलना चाह रहे थे, लंबा शॉट लगाने के मूड में दिखाई दे रहे थे, तब तक गेंद मिस कर गए और विशाल जी को एम्पायर के द्वारा आउट करार दिया गया और विशाल जी अपने हल्के हल्के कदमों से पवेलियन के बाहर। फिर अब एक बहुत बढ़िया चार रन। अबे यार अबे क्या लग नहीं भाई चलो कोनो बात ना अबे मैं गेम कर रहा हूं चलो ये परी हो जाए भाग दो चार ओवर में कोई ना अब मारने वाले हैं कैमरा किसन भाई आउट बन लास्ट ओवर राहुल देखो केजू रुक करता है जाके देखो बाउंड्री कौन आना रही भैया
राहुल प्रैक्टिस मैच में सेकेंड इनिंग वाले सेकेंड इनिंग जो हमारी टीम थी वो हार गई, क्योंकि हमारे विरोधी जो टीम थी पहले जो बैटिंग किए और बाद में फील्डिंग बहुत अच्छे से किए, और जिसकी वजह से ये लोग विजयी हुए। एक भी कैच नहीं छूटा और बॉलर ने भी अपनी भूमिका को बखूबी अदा किया। हर तरीके से बॉलर और फील्डर का जो कॉम्बिनेशन होता है, कैच छोड़ो मैच हारो का दृश्य कहीं देखने को नहीं मिला। हर एक कैच पकड़ा गया और फील्डर की कितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो आप लोग ऐसे ही मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, फिर से अगले ब्लॉगिंग की वीडियो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।